ओम शांति। आज विजयादशमी की सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विजयादशमी कहो या दशहरा करो, भारतवासियों के लिए दशहरा के दिन को बहुत शुभ दिन माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो आज दशहरा के दिन करते हैं। सारा दिन के लिए ही कहा जाता कि बहुत शुभ मुहूर्त है, और क्यों ना हो, क्योंकि 10 सिरों वाला रावण को जो संपूर्ण रीति से मार दिया, लेकिन सचमुच क्या हमने अपने जीवन में से उस रावण को समाप्त किया है? रावण यानी कोई 10 सिर वाला नहीं, लेकिन जो मनुष्य के अंदर रही हुई बुराइयां हैं, यही तो रावण है। इसलिए कहा जाता है कि रावण रुलाता है। वास्तव में मनुष्य की अपनी ही कमजोरियां उसको रुलाती है, अर्थात परेशान करती है। और जीवन में जब भी ये कमजोरियां उभरती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, और तभी उसको जीवन के अंदर परेशानी का अनुभव होने लगता है। इसीलिए रावण को दिखाते हैं शास्त्रों के अंदर कि रावण कोई असुर नहीं था, ऋषि पुत्र था, ब्राह्मण था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, सारे शास्त्रों का ज्ञान उसके पास था, इतना ज्ञानी था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी उसकी। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, उसके पास सारे दिव्य अस्त्र उसको प्राप्त थे। और कहा जाता है कि रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं। शिव की उपासना करता था, शिव की आराधना करता था, उसका आराध्य देव ही शिव को माना जाता है। लेकिन जब इतना व्यक्ति के अंदर था, फिर भी आज सारे भारत भर में उसके जगह जगह पुतले बना बना करके जलाते हैं, तो ये हमारा दुश्मन कैसे बन गया? पुतला तो हमेशा दुश्मन का ही जलाया जाता है, तो रावण हमारा दुश्मन कैसे बन गया? भावार्थ यही है कि अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो सारी दुनिया एक रावण राज्य है। रावण का राज्य लंका में खाली नहीं था। लंका एक टापू जैसे दिखाया है, जहां तीनों तरफ पानी है, बीच में जमीन है। तो अगर सारी दुनिया को अगर देखा जाए तो यह सारी दुनिया भी एक टापू है, जहां तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा जमीन है। अर्थात एक ऐसे रावण राज्य में आज हर इंसान जी रहा है, इसीलिए रावण को अपना शत्रु मान बैठा है, तभी तो जलाते हैं। दुनिया के अंदर मनुष्य भी ऊंची जाति के होने के बावजूद कभी कभी उनके कर्म किस तरह के होते हैं। रावण जैसा विद्वान होने के बावजूद भी उसने सीता जी का हरण किया, एक घिनौना कर्तव्य किया। ठीक इसी तरह कई बार मनुष्य समझदार होने के बावजूद भी
उसके कर्म कैसे होते हैं। इसीलिए ऐसे रावण के ऊपर हमें विजयी प्राप्त करना है, अर्थात इन कमजोरियों को संपूर्ण रीति से अपने जीवन से समाप्त करना।